क्या होगा दोस्तों जब अपनी बाइक स्प्लेंडर प्लस का जो एयर फिल्टर होता है वो बिल्कुल चोक हो जाता है कुछ इस तरह से। आप ये देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा करीब से दिखा दूं। बिल्कुल राइट, क्या होगा, एक तो जो होती है अपनी बाइक जैसे ही स्टार्ट करते हैं थ्रॉटल लेते हैं बिल्कुल एक्सलेटर कम पकड़ती है इसकी एयर फिल्टर चोक होने की वजह से, और दूसरा पॉइंट जो अपना माइलेज होता है दोस्तों वो 80% माइलेज जो होता है कम हो जाता है। पेट्रोल बाइक जो होती है ज़्यादा खाने लगती है और माइलेज जो होता है वो कम निकालने लगती है। तो मैं दिखा दूँ जो हमारी स्प्लेंडर प्लस आज ये गैराज में आई हुई है, एक मिसिंग की प्रॉब्लम लेकर के आई थी। जैसी अपनी बाइक चला रहे थे हम झटका मार रही थी इस तरह से आगे पीछे हो रही थी वो, इसकी वजह से मैंने खोल के बाइक चेक करी, आगे से भी चेक करी, इसके टेबिट वगैरह जब चेक करी और जैसे ही इसका एयर फिल्टर खोला जो प्रॉब्लम थी बाइक की वो सॉल्व हो गई। क्योंकि दोस्तों जो इसका एयर फिल्टर है ये बिल्कुल चोक हो गया। मैं इसको एक बार बाहर निकाल के दिखा दूँ, ये आप देख पा रहे होंगे सारा ये ऑयल में गीला हो गया। काफ़ी समय से दोस्तों बाइक की सर्विस भी नहीं हुई है, ये एयर फिल्टर बता रहा है। अगर बाइक की सर्विस टाइम पे होती जो हमारा एयर फिल्टर है कोई ना कोई ये मैकेनिक भाई इसको चेंज कर देता तो मैं इसको चेंज करूँगा। और दोस्तों इसके अंदर एयर फिल्टर में साई कंपनी का डालूँगा, आप ये देख पा रहे होंगे जो कि एयर फिल्टर इसका जो है सिर्फ 80-90 रुपये के आसपास है, साई कंपनी का, ज़्यादा महंगा भी नहीं है दोस्तों। तो पहले मैं आपको दिखा दूँ जो हमारी बाइक है ये जब गैराज में आई थी किस तरह की मिसिंग ये लेकर के आई थी। तो दोस्तों जैसे ही हम अपनी बाइक को स्टार्ट कर रहे थे तो कुछ इस तरह से ये कर रही थी। मैं पहले इसको स्टार्ट कर लूँ, ये आप देख पा रहे होंगे बाइक स्टार्ट हो गई है और ये पूरी एक्सीलेटर नहीं ले पा रही है। मैं थोड़ा करीब से सुना दूँ, कुछ इस तरह से ये बाइक कर रही है, देख पा रहे होंगे थ्रॉटल पूरा है, ये ले नहीं पा रही है क्योंकि दोस्तों बाइक बिल्कुल ही नहीं चल रही थी आगे को, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है एयर नहीं जा रही है। तो जो हमारी स्प्लेंडर प्लस थी वो कुछ इस तरह से कर रही थी इस एयर फिल्टर चोक होने की वजह से। तो दोस्तों समय से काम हो जाए ना, और ये जो अपना एयर फिल्टर है कंपनी जो कहती है दोस्तों 8 से 10 हज़ार के बीच में ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहता हूँ दोस्तों 8 से 10 हज़ार के बीच में भी अगर इसको आप चेंज नहीं कराने हैं ना तो 15 हज़ार किलोमीटर के आसपास में इसको एक बार ज़रूर दोस्तों चेंज करा दें, नहीं तो आपके सामने ये जो प्रॉब्लम इस बाइक में आ रही थी आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। तो मैं जो ये एयर फिल्टर है इसको डस्ट में फेंक देता हूँ, यानी कि कबाड़े में फेंक देता हूँ, और इसके अंदर दोस्तों मैं साई कंपनी का जो हमारा एयर फिल्टर है इसको लगाऊंगा, और जो उसके बाद में दोस्तों बाइक को देखेंगे किस तरह से ये चलती है या फिर वही प्रॉब्लम आती है। तो मैंने ये सब कुछ चेक कर लिया दोस्तों, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी क्योंकि जो एयर फिल्टर है ये चोक हो चुका है। तो मैं इस एयर फिल्टर को पहले निकाल लेता हूँ डब्बे से बाहर और इसको लगाता हूँ इसके अंदर और आपको दिखलाता हूँ इसके साउंड। अपनी जो बाइक है अच्छे से एक्सीलेटर लेती है नहीं, क्योंकि दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत का मुझे सामना करना पड़ता है क्योंकि मुझे एक हाथ से काम और एक हाथ से मुझे जो कैमरा है वो पकड़ना पड़ता है थोड़ी सी, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत सा महसूस होएगा आपको। तो मैं जो ये अपना एयर फिल्टर है इसके अंदर लगा लेता हूँ जल्दी से, उसके बाद में बाइक को स्टार्ट करूँगा इसका कवर लगा करके और आपको दिखलाऊंगा। तो दोस्तों जो अपना एयर फिल्टर था वो इसके अंदर हमने लगा लिया है साई कंपनी का ओरिजिनल, और जो अब इसका एयर फिल्टर का कवर है इसको लगा लेते हैं, इसके सारे स्क्रू लगा लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल अकबर बाइक डॉक्टर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि दोस्तों जो सब्सक्राइब करना है बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना है लाइक, कमेंट जरूर करें दोस्तों, इससे दोस्तों क्या होता है हमारी हिम्मत बनी रहती है कि हाँ भाई हमारी ऑडियंस हमें सपोर्ट कर रही है। तो आपका सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और आपको मेरे द्वारा काम कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप वहां जाकर के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब पहले जो अपना एयर फिल्टर है इसको जल्दी से लगा लेते हैं, ये लग चुका है, और अपनी बाइक को स्टार्ट करेंगे उसके बाद में देखेंगे थ्रॉटल अपनी बाइक लेती है नहीं। क्योंकि दोस्तों जो एयर फिल्टर था ये आपको हर सर्विस पे बहुत ज़रूरी होता है चेक करना। एयर फिल्टर चोक होने की वजह से आपने देखा इस बाइक में कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई, फैमिली के साथ बंदे हैं ये कहीं जा रहे थे तो इस तरह से प्रॉब्लम आ गई है एकदम से अचानक से ये। तो आपको दोस्तों प्रॉब्लम तो दोस्तों ये पहले से भी आ रही होगी पर भाई ने इग्नोर करा, पर आपको ये बहुत ज़रूरी है एयर फिल्टर इसका चेंज कराना। तो इसका जो कवर था ये लग चुका है, पहले बाइक को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ इग्निशन ऑन करने के बाद, और इसमें देखेंगे जो अपनी बाइक है पूरी अच्छे से थ्रॉटल लेती है यानी कि एक्सीलेटर लेती है नहीं। तो बाइक को पहले कर लेता हूँ मैं स्टार्ट, तो आप ये सुन पा रहे होंगे जो बाइक थी हमारी
वो स्टार्ट हो गई है। और ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल मस्त एकदम छोटा लेने लगी है एक्सीलेटर। तो दोस्तों एयर फिल्टर की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही थी इसमें दोस्तों, माइलेज की भी आ रही थी। भाई कह रहे थे यार हमारी जो बाइक थी पहले से माइलेज भी नहीं दे रही थी, तो एयर फिल्टर की वजह से दोस्तों माइलेज में भी प्रॉब्लम आती है और बाइक दबती भी है। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कि एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बता देना है। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।